ये कोई सामाजिक गीत है, कोई समाज के ऊपर? बिल्कुल भैया जी, हम समाज के ऊपर भी गीत गाते हैं। और हमारी अभी एक कोई दहेज पे बेटी पे बेटी दहेज पे भी हमने गाया है गीत को, हम सुनाएंगे। काहे बेटी सोना बाबू, काहे बेटी सोना बाबू, फैसला हमार हो, जिनकरा बियाहवा बल्कि रहबे हम कुंवार हो, जिनकरा बियाहवा बल्कि रहबे हम कुंवार हो, जिनकरा बियाहवा बल्कि मांगी है दहेज हो, दहेज बन के लो भी दूल्हा बिकायल जैसे मंडी में गोभी, दूल्हा बिकायल जैसे मंडी में गोभी, दैना पैबाए बाबू, दैना पैबाए बाबू, करिहे अपमान हो, जिनकरा बियाहवा बाबू रहबे हम कुंवार हो, जिनकरा बियाहवा बाबू रहबे हम कुंवार हो, जिनकरा बियाहवा बाबू। गीत हमारा बहुत वायरल हुआ था भैया दूसरे के चैनल पे। मैंने वाह भाभी, आपने दूल्हे को जो है मंडी में गोभी के जो भाव जो बेचा है यार, कसम से बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल भैया जी, और मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग गरीब हो या अमीर हो, दहेज लेना बंद करो, दहेज देना भी बंद करो। बिल्कुल, अपने बेटे और बेटी को शिक्षित करिए ताकि दहेज ना लेना पड़े ना दहेज देना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के समाज में जैसे जब मंडी में जाते हैं गोभी का भाव पता करते हैं 10 रुपए 20 रुपए, तो आज के समय में दूल्हा खुद डिमांड करता हमको ये चाहिए दहेज में। बिल्कुल, इसीलिए समय आ चुका है, वो समय आ गया भैया। लेकिन आज के 8-10 साल के बाद ना यही लड़के वाले लड़की को खरीदने के लिए आएंगे जी। बहुत जमाना और समय ऐसा आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब कोई लड़की पैदा नहीं करना चाह रहा है जी जी। तो जब लड़की की संख्या कम होगी तो लड़के वाले जाएंगे कहाँ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी 3 लड़की हैं, हम भी सोचते हैं 9-10 साल का जमाना पीछे आ जाए और हम हमारे यहाँ भी लोग मोल भाव करने के लिए आए। अच्छा अच्छा, तो यही गाना सुनाइएगा आप। बिल्कुल, हम यही गाना उनके सामने कहेंगे कि सुना बेटी कहे बाबू, इस गीत को हम जरूर उनके सामने लाएंगे। रहेंगे लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कजरी गीत सुना दे आपके चैनल पे, और बहुत ही प्यारा कजरी गीत है, हमारे चैनल पे वायरल भी हुआ है जी जी। इतु तौ रोजई निहारिया मोर मोटाई पिया, गए दुबराई पिया ना, तू तौ रोजई निहारिया मोर मोटाई पिया, गए दुबराई पिया ना, हमारे भैया के बोलाईदा मैं नहीं हरे पहुँचाईदा, हमारे बीरन के बोलाईदा मैं नहीं हरे पहुँचाईदा, हमारे नैहरे में हमारे नैहरे में होला ओझाई पिया, गए दुबराई पिया ना, हमारे नैहरे में हमारे नैहरे में होला ओझाई पिया, गए दुबराई पिया ना, हमारे पापा के बोलाईदा मैं नहीं हरे पहुँचाईदा, हमारे पापा के बोलाईदा मैं नहीं हरे पहुँचाईदा, अपने नैहरे में अपने नैहरे में खाबे दूध मलाई पिया, जाबे हम मोटाई पिया ना, अपने नैहरे में खाबे दूध मलाई पिया, जाबे हम मोटाई पिया ना, हमारे नैहरे में खाबे दूध मलाई पिया, जाबे हम मोटाई पिया ना, हमारे चाचा के बोलाईदा मैं नैहरे पहुँचाईदा, हमारे चाचा के बोलाईदा मैं नैहरे पहुँचाईदा, ए हमारे नैहरे में हमारे नैहरे में होला ओझाई पिया, हो जाबई मोटाई पिया ना, हमारे नैहरे में होला ओझाई पिया, जाबई हम मोटाई पिया ना। वाह भाभी, आपने दिल खुश कर दिया, इतने बेहतरीन अंदाज में आपने गाना गाया। तो क्या यहाँ पे शिकायत है क्या आपके ससुराल से? नहीं नहीं, हमारे शिकायत नहीं है, ससुराल वाले हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे हस्बैंड की नजर लगी। अच्छा अच्छा ये तो सच है, हस्बैंड
बहन जी की नजर लगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब अभी इसके लगभग 10-11 महीने पहले मैं सूरत छोड़ी, तो 9-10 साल मैं सूरत लगातार रहती थी। और उसके बाद मैं जब गांव आई तो 9-10 महीने में मेरा बहुत वजन कम हो गया। अच्छा, वजन घटता चला गया। इसलिए मैं इस गीत को हर चैनल पे सुनाती हूँ। अच्छा, और बताती भी है कि नजर कैसे लगा हुआ है। बिल्कुल देख सकते हैं, एक पति की नजर पत्नी पर ही पड़ गई है। भाई जो पति अपने पत्नी के जो है सिंगार को देखता है, लेकिन एक पति की नजर इस तरह एक पत्नी पर लग गया कि पत्नी की बेचारी वजन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। उनका साथ छोड़ा, मतलब कि जब साथ में रहती थी तो मैं बहुत मोटी थी। अच्छा, लेकिन अच्छा। जब से मैं साथ छोड़ी गांव रहने लग गई, तब से हम बहुत पतले और कमजोर हो। चलिए, गाने के माध्यम से आपने बताया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं अजीत चौहान आप सभी का फर्राटा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसे सिंगर हैं, बेहतरीन अंदाज में गाना गाती हैं और समाज में जो है अपना एक अलग छाप छोड़ती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रांजल पांडे। प्रांजल पांडे जो है देसी गीत, लोकगीत और जो है गाँव समाज की जो गीत होती है, बचरा हो गया, नटका गीत हो गया, सोहर हो गया, तमाम तरीके के जो गीत को गाती हैं अपने समाज में जो है कहीं ना कहीं अपने गीतों के माध्यम से एक संदेश भी देती हैं। तो आइए इनके जो है जीवन के बारे में बात करते हैं, कैसे इन्होंने अपने YouTube करियर को स्टार्ट किया, कैसे कैसे क्या क्या जो है समस्याओं का सामना किया, आखिरकार एक महिला के लिए परिवार में किस तरह से जो है यूट्यूब पर काम करना, परिवार का सपोर्ट, पति का सपोर्ट, तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाभी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्राटा न्यूज 24 पर। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दर्शक देख रहे हैं भैया के चैनल को जरूर सपोर्ट करना। भाभी जी पहला सवाल ये है कि आप जो है यूट्यूब पर आने के लिए क्या सोचा आपने, किसको देखा, क्या मोटिवेशन था आपका? ऐसी औरतें गाती बजाती थी भैया, और मैं भी बचपन से गाने का शौकीन, बहुत शौक था हमें, और मैं गाती भी थी, तो हमें भी ऐसा मन हुआ कि मैं भी यूट्यूब पे आ जाऊँ। जी जी हाँ। तो किसी को देखा, किसी का नाम अगर आप बताएं? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ की जौनपुर की वायरल कलाकार वंदना भाभी को देखी। अच्छा अच्छा। और गाते बजाते बहुत सारे लोग थे। हाँ। पर मैं जब उनको देखी तभी मैं चैनल खोली। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब गाना तो पहले से ही गा रही थी। बिल्कुल। लेकिन मोटिवेशन तब मिला जब वंदना जी को आपने देखा। हाँ, हाँ, उनको देख के हमें ऐसा लगा कि मैं भी चैनल चालू कर लूँ। आप भी जो है यूट्यूब पर कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। तो कौन कौन से गीत आप गाती हैं? हम अपने यहाँ की पारंपरिक गीतों को गाते हैं भैया जी, लोकगीत, शादी विवाह लोकगीत, हाँ यही हाँ। सब गाते हैं भैया। अच्छा, कोई बेहतरीन गीत जो आपको लगे हाँ अगर गाएंगे तो लोग दर्शन पसंद करेंगे? गीत है हमारा, अभी मैं चैनल पे भी गाई हूँ कि एक गौरा के मारे सखी तनवा तोहारी अड़ी बंगी सजनवा, गौरा के मारे सखी तनवा तोहारी अड़ी बंगी सजनवा, अड़े बंगी सजनवा, अड़े बंगी सजनवा, गौरा के मारे सखी तनवा तोहारी अड़ी बंगी सजनवा, गौरा के मारे सखी तनवा तोहारी अड़ी बंगी सजनवा, सब कर बलम खाई पूरी मिठाई, सबके बलम खाई पूरी मिठाई, तोहरे कई भंगिया भोजनवा, तोहरे कई भंगिया भोजनवा, तोहारी अड़ी बंगी सजनवा, गौरा के मारे सखी तनवा तोहारी अड़ी बंगी सजनवा। बहुत बढ़िया, भोलेनाथ का जो लीला है, परम्पार है, उनको धतूर बेलपत्र इस तरह का जो भांग है और चीजें हैं उनको तो वही पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, उनका तो लीला या परंपरा, शादी ब्याह में गोजर बिछी तक गए थे। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि शंकर भगवान की जब जिस समय बारात जा रही थी, हम सूरत में थे तो हम एक जगह घूमने के लिए गए थे, वहाँ जिस तरीके से भूत प्रेत सही सही जैसे लग रहा था आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग वहाँ जाने के बाद इतना डर लग रहा था भैया ना, जैसे आवाज आ रही थी इतना डर लग रहा था, हम खुद जैसे कि उस समय हमको याद आ गया कि जैसे लग रहा था वही समय आ
आ गया वहाँ पहुँचने के बाद। अच्छा, कोई महंगाई भ्रष्टाचार पर आजकल गीत चल रहा है जैसे प्रधान के खिलाफ, जैसे गीत चल रहा है कोई है? भैया जी प्रधान के खिलाफ तो अभी देखिए 2-3 लोगों को घर में घुस घुस के मार हमारे यहाँ के बिल्कुल हमारे यहाँ के प्रधान तो और अड़बंगी है भैया जी, दिन दहाड़े ने यहाँ सड़क पे रोड पे ही मार देंगे। अच्छा अच्छा, महंगाई पे कुछ है? बिल्कुल महंगाई पे हम गाएंगे। गा दीजिए। महंग भइल आलू भाटा, महंग भइल धनिया बलमा हो, महंग भइल अदरकिया बलमा हो, महंग भइल अदरकिया बलमा हो, महंग भइल आलू गोभी, महंग भइल धनिया बलमा हो, महंग भइल अदरकिया बलमा हो, महंग भइल अदरकिया बलमा हो। तो ये गीत हमारा बहुत लंबा भैया याद नहीं आ रहा है। हाँ। और लिखी हूँ मैं, पूरा सुना दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ। तो देख सकते हैं प्रांजल पांडे जी का गीत कितना जो है सामाजिक और कितना जो है समाज में एक नया संदेश देता हुआ गीत है। और ऐसे गीत तमाम जो हिंदी के अश्लील, भोजपुरी के अश्लील गाने हैं उनसे लाख गुना अच्छे गाने हैं जो कहीं ना कहीं लोगों का मनोरंजन करते ही हैं, चेहरे पर एक मुस्कान तो लाते ही हैं और साथ में जो है समाज में एक संदेश भी देते हैं। और ऐसे ही गीत कहीं ना कहीं आज हमारे समाज की ज़रूरत है, ताकि जो दहेज में बहन बेटियां जलाई जाती हैं, मारी जाती हैं, और कहीं ना कहीं समाज में जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है और भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।